जानो तो कौन? अरे अरे विमला तू आ गई? हाँ दादी जानती हो मैं 12वीं की परीक्षा में पहले नंबर पर आई हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो सारे गांव में मिठाई बांटूंगी। गांव की छोड़ पहले मेरा तुम मीठा करा दे। क्यों नहीं, अब ये पढ़ाई लिखाई का झंझट खत्म कर, अब तेरे बापू से कह के तेरी शादी करवा देती हूँ। क्या दादी मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे तो भी और आगे पढ़ना है और मैं मास्टर नहीं बनना चाहती हूँ। सोचती हूँ इन गर्मियों की छुट्टियों में गांव के अशिक्षित लोगों को पढ़ा दूँ और तुम्हें भी। दादी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई, किताबें और स्लेट। अरे पगली इस उम्र में मैं पढ़ के क्या करूँगी, आज मरूं या कल, ये उम्र कोई पढ़ने की है क्या? अरे दादी पढ़ने लिखने की भी कोई उम्र होती है? ये तो एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान। साक्षरता एक ऐसी लौ है जो जलने पर सही और गलत की पहचान बताती है। इसीलिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लोगों ने देश के कोने कोने में बसे लोगों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। वैसे तो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु आगे रहता है और शिष्य उसके पीछे, पर देहरादून के पास राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगलों में स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ गुरु शिष्य के पीछे पीछे चलता है, जंगल तो जंगल ऊपर पहाड़ पर भी चला जाता है। यही तो अनूठी बात है जंगल में चलाए जा रहे इस साक्षरता अभियान की, जिसमें करीब 350 स्वयं सेवकों ने 4500 गुजरों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। मुस्लिम समुदाय के इन घुमंतू वन गुजरों के जीने का अपना एक अलग ही ढंग है। सामान के नाम पर इनके पास 2-4 बिस्तर और खाने की चंद चीजें हुआ करती हैं, जिसे ये अपने जानवरों पर लाद कर पहाड़ पर आसानी से चढ़ सकें। भैंसों को ये रस्सी से बांध कर नहीं रखते, बल्कि खुले आकाश में चरने के लिए छोड़ देते हैं। मौसम कैसा भी हो, जाड़ा गर्मी या बरसात, ये एक से कपड़े पहनते हैं, बिना चप्पलों के नंगे पांव जंगलों में भटकते फिरते हैं। मुस्लिम होने के बावजूद ये वन गुजर शाकाहारी हैं, पर्दा प्रथा को भी ये नहीं मानते, पर परदेशियों से दूर रहते हैं। कोई लोग भी आ जाता था तो हम छुप जाते थे कि पता नहीं कौन लोग आ गए। वैसे तो ये अपने आप में मस्त रहते हैं, मगर इनका शोषण भी किया जाता रहा है। दूध बेचकर अपना गुजारा करने वाली हुस्न बीवी को हिसाब किताब करना नहीं आता, इसका नुकसान उसे भुगतना पड़ता था। हम हिसाब किताब कुछ नहीं जानते थे, जब हमारे से ये बने दूध ले जाते थे तो हमें कोई पता नहीं है कि हमारे ये कितने पैसे का गया या ना गया, जितने वो बताते थे उतने हमारे लिए अच्छा ही था। ये गुजर तो अंगूठा छाप थे, काला अक्षर इनके लिए भैंस बराबर था, जिसका फायदा व्यापारी खूब उठाते थे। पहले बनिया 6-6 महीने में हिसाब ही नहीं करते थे, ऐसे कहते थे तुम्हारा हिसाब कर लें, हमें जैसे बताते थे ऐसे हम मान जाते थे। किसी चीज का मालूम ही नहीं हमारे को, 10 रुपए की चीज 5 में दे दी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि सड़कों से गुजरते इनकी भैंसों को गाड़ियां धक्का मार देती, मगर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। निरक्षर होने के कारण गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं पढ़ सकते थे, फिर शिकायत क्या करते? गाड़ी का जो नंबर जाते गाड़ी मोटर ट्रक वाले हमारी भैंस मार देते थे, हम गाड़ी का नंबर नहीं जानते थे। इसके ऊपर समस्या ये थी कि ये लोग जाड़े के 6 महीने तो नीचे जंगलों में गुजारते थे और बाकी के 6 महीने पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में। जिंदगी का कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं था, जहाँ मन किया वहीं पड़ाव डाल दिया, और ऊपर से ये कि जंगलात वाले इन्हें बाहर खदेड़ने पर तुले थे। पहाड़ों की इस कठिन जिंदगी का सामना करते इन वन गुजरों को पढ़ने लिखने का ख्याल आता तो कैसे? रहने का कोई ठिकाना नहीं, सो बच्चों को स्कूल में कैसे डालते? ऐसे में वन गुजरों को साक्षर कैसे बनाया जाए, ये चुनौती एक स्वयंसेवी संस्था रूरल लिटिगेशन एवं एंटाइटलमेंट केंद्र ने उठाई। इनके शिक्षकों ने इन गुजरों के साथ पहाड़ों पर जाना शुरू कर दिया। अपना काम निपटाकर या भैंसे चराकर जब ये शाम को फुर्सत से बैठते, तब ये शिक्षक उन्हें क ख ग पढ़ाते, फिर पहाड़ पर आगे बढ़ते जहां पड़ाव डालते वहीं खाने पीने के बाद शिक्षक इन्हें किताबों की दुनिया में ले जाते। स्कूल से पहले लिटरेसी कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इनके साथ रहे हैं, इनके डेरों में साथ साथ हम लोगों ने इनको बच्चों के साथ में रहे, बड़ों के साथ में अपना इनके साथ खाना पीना उठना सोना एक साथ उनके साथ खेलना, उनको जब ऐसा लगा कि ये लोग मतलब हमारे काफी निकट है, हमने भी ये पाया कि मतलब वो बच्चे भी हमसे काफी प्यार करने लगे, तो खेल खेल में कुछ बातों के जरिए कुछ
प्रैक्टिकल जरिए जो है हम लोग इनको बच्चों को पढ़ाने की ओर लेकर आए। नौशाद खान मानते हैं कि शुरू में शिक्षकों को भी बहुत परेशानी हुई। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। तो जब हम लोग शुरू में आए तो एक तो ये पार्क एरिया है, ये जो एरिया है इसमें ये पार्क एरिया, इसमें तो हमारे वॉलंटियर को आने नहीं दिया गया शुरू में। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये हुई कि फिर उसके बाद परमिशन वगैरह और ये सब धंधे हुए फॉरेस्ट वालों के, उसके बाद बहुत परेशानी के बाद टीचरों को अंदर आने दिया गया, उसके बाद फिर पढ़ाई की शुरू हुई। फिर इस मेन युवा के इन लोगों को इकट्ठा करना है जगह, इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, इतना काम होता है भैंसों के लिए। फिर टाइम निकाला कि 11 बजे से और 3 बजे तक का टाइम जो है फ्री होता है इनका आराम करने का, उसमें हमने पढ़ाई का काम शुरू किया और नाइट शुरू किया। मगर इन्हें साक्षर बनाने के संकल्प ने शक्ति दी। हमारी पढ़ाई जो है ये रूटीन बना हुआ है पढ़ाई का, और ये लोग पढ़ रहे हैं अब तो ये नहीं छूट ना पाए। गुजरों को तो पहाड़ों में घूमने की आदत थी, मगर शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पर इन्होंने परेशानियों से हार नहीं मानी, गुजरों के रहन सहन को अपनाया और उनका मन जीता। उन्हीं की रुचियों में ध्यान रखकर उनके लिए विशेष किताबें तैयार की। डेली यूज की जो बात है उन्हीं को लेके, मतलब जैसे इनकी लैंग्वेज, उन्हीं को लेके ये किताब बनाई गई है ताकि ये लोग अच्छी तरह से समझ जाए। इन किताबों में जंगल से संबंधित दिलचस्प बातें हैं और वे हिंदी, उर्दू और गुजरी भाषा में लिखी गई हैं। साक्षरता के नारे भी उनकी भाषा में लिखे गए। इस बात का खास ख्याल रखा गया कि लोगों को ये ना लगे कि पढ़ाई उन पर थोपी गई है। पहले बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि वे भी माँ बाप के साथ पहाड़ों में घूमते थे। इन्हें साक्षरता अभियान में जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण काम था। काफी अच्छा चल रहा है हमारा, ये बेसिक लेवल से ही हम इसको लेकर चल रहे हैं और ये बच्चे काफी अच्छा चल रहे हैं। पढ़ने लिखने के क्या क्या फायदे हुए? ऐसे चिट्ठियां पढ़ लेते हैं, हाँ चिट्ठियां भेज देते जहाँ भेजनी होती है। फायदा तो बहुत होता पढ़ने का। पढ़ने से ये फायदा हुआ कि जैसे हम रास्ते में जाते हैं किसी आदमी को चोट लग जाती है, गाड़ी बच जाती है, तो हमें क्या पता, हम तो अंधों की तरह चलते हैं कि भाई क्या क्या नंबर है गड्डी का, हमें तो मार के चलते हो जाते हैं। तो अब पढ़ने से हमें इतनी शिक्षा आ गई कि किसी आदमी को चोट चाट आ जाती है गाड़ी से ऐसे भी, तो हम गाड़ी का नंबर जानने लग गए। सिखाने पढ़ाने का ये निराला ढंग काम आया। इन शिक्षकों ने ना सिर्फ इन्हें अक्षर ज्ञान दिया पर इन्हें धोखे के खिलाफ सचेत भी किया। अब इन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। वनों की क्या अहमियत है ये भी गुजरों को समझ में आ गया है। जंगल में रहना हमारे हम लोगों को ठीक है सब, क्योंकि जंगल में हमारा पशु पालन जो है तो हम लोग जंगल में पाल सकते हैं, गांव में रहने से हमें कोई भी फायदा नहीं मिल सकता। सुखी परिवार के लिए कम बच्चे होने चाहिए, अच्छी सेहत के लिए साफ सफाई जरूरी है, ऐसी बातें भी उनकी समझ में आ गई हैं। सबसे बड़ी बात, गुजर जो अपने पशुओं का दूध बेचकर जीविका कमाते थे और नासमझी की वजह से ठगे जाते थे क्योंकि दूध खरीदने वाला इन्हें सही मूल्य नहीं देता था, अब ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। पढ़ लिख जाने का फायदा ये है कि अब ये दूध का सही मूल्य वसूलते हैं। वन गुजरों का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि ये अब जो है दूध वाले इनका शोषण नहीं कर सकते हैं, इनकी जो दूध के दाम जो मिलने चाहिए वो इनको मिलने लगे हैं। मुझे अपने वोटर बन गए हैं जो आज तक कभी कभी वोटर नहीं थे। परिवार नियोजन के और स्वास्थ्य के लिए इनका जिम्मेवारी इनको समझ में आई है, इनको समझ में और इनको सुविधा भी अभी मिलने लगा है। इस स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने इन्हें दूध में चर्बी की क्या मात्रा है ये आकलन करना भी सिखाया। अब ये गुजर ऐसे प्रशिक्षण में भी माहिर है। बन गुजर पढ़ लिख लेने के बाद दूध के अपने फीट लगाना सीख गए, जिससे उन्होंने मार्केट में भी अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के दूध को अच्छी कीमत पे बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साक्षरता की हवा इन जंगलों को भेजती गई, जैसे जैसे साक्षरता के इन दूतों ने भोले गुजर जाति के लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के तरीके का आईना दिखाया, वैसे वैसे बदलाव के आसार दिखने लगे। अब ताज बीवी गाड़ी के नंबर पढ़ लेती है, हुस्न बीवी दूध की बिक्री का सही हिसाब रखती है, हम अपना हिसाब किताब भी जानते हैं और अपने चिट्ठी भी लिखते हैं। ये है नया जागृत साक्षर गुजर। माना के साक्षर होने के बहुत फायदे हैं, लोग जागरूक हो जावे हैं, उन्हें ठगा भी नहीं जा सकता, पर इससे समाज के लोगों पे क्या असर पड़े है? क्यों नहीं, अब देखो आदमी अक्षर ज्ञान सीखता है, नई नई किताबें पढ़ता है, पुराने विचारों को त्याग कर नए विचारों को अपनाता है, इसी से तो जागृत होती है सामाजिक चेतना। जानती हो दादी,
इसी सामाजिक चेतना के रहते हुए राजस्थान के एक गांव के लोगों ने सदियों से चली आ रही बाल विवाह जैसी कुप्रथा को भी त्याग दिया। विवाह शादी, ये शब्द किसी के लिए वरदान हो सकते हैं, जीवन साथी चुनने का अवसर हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में विवाह किसी अभिशाप से कम नहीं। आखा तीज यानी अक्षय तृतीया की तिथि पर होने वाले बाल विवाह को देखकर लगता है जैसे शादी शादी नहीं गुड्डे गुड़िया का कोई खेल हो। राजस्थान में सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक इन क्षेत्रों में बाल विवाह ज्यादा देखे जाते हैं। अजमेर में भी कई इलाकों में ज्यादा पढ़ने को मिलता है। और आय वर्ग ग्रुप में जहाँ संगठित समाज के लोग रहते हैं, जो एक संगठन के रूप में रहना चाहते हैं, समाज की परिस्थितियों के चलते या सामाजिक परिस्थितियों के चलते, उन समाजों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। आदिवासी टाइप है और कमजोर आय वर्ग के लोग इसमें ज्यादा हैं। गहरे तक बैठी इस कुप्रथा के अंधेरे में उम्मीदों का जगमगाता चिराग है राजस्थान का एक गाँव रूपावास। यहाँ अब छोटी उम्र में नहीं बल्कि भरी पूरी उम्र में शादियां होती हैं। ये प्रभाव है यहाँ साक्षरता का मंदिर बने आखर देवरों का। आखर देवरों में गूंजती अक्षर वंदना ने अब बंद आंखें खोल दी हैं। इब हमारे यहाँ इलाके में तो 20-25 साल की लड़की को करके शादी करते हैं सब कोई, इससे पहले कोई नहीं करता। लोग अपनी सांस्कृतिक बेड़ियों को तोड़कर नया समाज बनाने की ओर अग्रसर हैं। वे जान गए हैं ये कुप्रथाएं आज न सिर्फ कानूनी तौर पर अपराध हैं बल्कि अनैतिक भी। शादी पहले छोटी उम्र में कर दिया करते थे और अब लोग काफी समझने लगे हैं कि जो है बाल विवाह जो है अब नहीं होना चाहिए। और अब लड़कियों की शादी भी, जैसे हमारे गांव में शादी हो रही है अभी, तो 18 वर्ष से कम उम्र में अब जो है लड़की शादी नहीं करते हैं। जो कोई आड़ो आदमी से वो करे और नहीं कोई कौन करे, जो पढ़े लिखे आदमी से वो तो कच्ची उम्र में शादी करेगा ना। नव साक्षर सज्जो जब अनपढ़ थी तब 14 की उम्र में खुद को तो विवाह के खूंटे से बनने से ना रोक सकी थी, लेकिन पढ़ लिख जाने के बाद सज्जो ने आगे बढ़कर अपनी बहन को जरूर इस संकट से उबार लिया। मान सोचना लगी जन मैं जाकर मना कर दिया तो वैसे मानगा, अरे यार मास्टर जी ने कहा, मैं मास्टर जी की बात भी मानगा कि 18 साल पहले शादी नहीं करनी। सज्जो खुद भी मानती है कि कुप्रथा और अंधविश्वास के प्रति इस चेतना की यदि कोई वजह है तो एक साक्षरता। कुछ तो वह भी पढ़ रही जर, कुछ हम भी साक्षरता में पढ़ लिख कर कुछ तो समझ में आई जाए भाई कि हम घर कान का याजना भाई हमारी बात मानगा। उल्लेखनीय है कि जब राजस्थान के जिला सीकर में संपूर्ण साक्षरता अभियान चला तो तहसील निमका थाना को विशेष सफलता मिली। उसी तहसील निमका थाना को जहां स्थित ये विद्यालय 24 अक्टूबर 1996 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का केंद्र बन गया था। जहां पर निरक्षरता ज्यादा है वहां पर साक्षरता अभियान ज्यादा सफल है। शहरों में और बड़े कस्बे हैं जहां पर साक्षरता का प्रतिशत अच्छा है वहां पर उसकी सफलता उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि निरक्षरता जहां पर ज्यादा थी, जैसे कि नीम का थाना क्षेत्र है। करीबन 4000 आखर देवरे संचालित किए गए थे और हर देवरे में करीबन 10 निरक्षरों ने अपने साक्षरता अभियान में पढ़ने का कार्य किया और करीबन 4000 ही आखर सेनानियों ने इसमें योगदान दिया क्योंकि हर आखर देवरे के लिए एक आखर सेनानी था। तहसील नीमका थाना के ग्राम रूपावास में साक्षरता की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कारण रूपावास कभी निरक्षरता का केंद्र था। पढ़ना लिखना तो दूर, आखर सेनानियों से कोई बात करने को भी राजी नहीं होता था। वहाँ पर जब हम पहली बार गए तो वहाँ पर जैसे कोई किसी भयभीत होना डरे हुए से लोग थे और 3-4 दिन तक हम कंटिन्यू गए तो भी किसी ने बात भी नहीं की। वजह यह थी कि रूपावास की पहली प्राथमिकता पेट की रोटी थी, आखर ज्ञान नहीं। सो आर्थिक मदद ने ये अबूझ पहेली भी हल कर दी। जैसे रूपावास में हमने एक सिलाई मशीन दिलाई थी एक महिला को, लेकिन हमने प्राइवेट रूप से भी कई जगह पे मदद करवाई उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और फिर क्या राजो, क्या साखी, क्या ताको, सबने जो कर दिखाया वह गजब है, उल्लेखनीय। और महिलाओं ने वास्तव में अनुकरणीय ढंग से कार्य करते हुए अपने अपने को इस अभियान से जोड़ा और साक्षरता में सफलता प्राप्त की। और कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक कि फॉर्मल एजुकेशन में भी अपना प्राइमरी के एग्जाम भी उसके बाद में दिए, जो कि इस अभियान की मैं सफलता ही कहूँगा। और इसके अलावा उन महिलाओं का बात करने का दृष्टिकोण अगर आप जाके देखें तो वास्तव में देखने लायक होगा। 18 वर्ष की विवाह की उम्र में विधवा हुई पाची देवी कहती हैं उसे भी एक मशीन मिली। ये मशीन क्या मिली? पाची माँ बेटी के तो जीने का साधन मिल गया,
फिर वह खुद तो पढ़ी ही, बेटी को भी पढ़ाया। पढ़ने लिखने में फायदा यही है कि दुनिया शराब पीती तो अब और था साक्षरता में जावा लगी जना कुछ, और कोई ने भी समझाया, घर का आदमी ने समझाया कि शराब पीने थोड़ी ठीक है। साक्षरता ने सिर्फ पांची को ही खुशियां नहीं बांटी, औरों को भी जीने का रास्ता दिखाया। रोटी का साधन होते ही शिक्षा पहली प्राथमिकता हो गई। आखिर सेनानी के आने पर अब ये औरतें अपना कामकाज छोड़कर भी पढ़ने जाती। बहन जी बोली इसके मौको से पटवा को पढ़ लो, मोकाम कोई पढ़ लेगा जो पढ़ लेगा और पास रह जाए तो रह जाएगा कोई। इस आखिर अभियान में आखिर सेनानियों की भूमिका सचमुच ही महत्वपूर्ण रही। मेरी रुचि थी कि अपना भी गांव आगे बढ़े, अपनी भी महिलाएं आगे आए और कुछ बातों में भी हमारी महिलाएं आगे आई, हमारा गांव शिक्षा में सबसे आगे आई, तो इस कारण से हमने उठाया था अभियान। पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाने के लिए और जगह की भांति यहां भी आखिर सेनानियों ने लोक धुनों का सहारा लिया। संपूर्ण साक्षरता का ये अभियान यहाँ इस गांव में सिर्फ वर्णमाला तक सीमित होकर नहीं रह गया, बल्कि जागृति के मापदंडों पर भी खरा उतरा। प्रत्येक स्तर पर हमारी यह चेष्टा रहती है कि हमारा संदेश व्यक्ति व्यक्ति से तक पहुँचे, वह जन आंदोलन का स्वरूप धारण करे। इसके लिए लघुतम से लघुतम इकाई को भी हम हर मेले के अवसर पर अपनी प्रदर्शनियों का आयोजन करके, पद यात्राओं का आयोजन करके, साइकिल यात्राओं का आयोजन करके, और इनके अलावा खास तौर से जहाँ पर महिला की इसमें महिला साक्षरता का अभाव हमने पाया, तो उस दृष्टि से हमने ये अनुभव किया कि यहाँ पर महिला सम्मेलन किए जाएं, और हमने प्रत्येक तहसील में मुक्त भाव से बड़े बड़े मेले आयोजित किए। प्रमुख प्रयास तो हमने ये किया कि महिलाएं विवाह शादी के अवसर पर जो गीत गाती हैं उन गीतों को लोकगीतों की धुनों के ऊपर लिख करके, और पहले से भी जो प्रस्तुत गीत थे उनको ज्यादा प्रस्तुत करवा करके, और युवा शादी मेले त्योहार इन अवसरों के ऊपर साक्षरता के गीतों को गवा करके या जोड़ करके, और इसको एक अच्छा वातावरण निर्माण का तरीका अपनाया। इन अभियानों के जरिए ही लोग साक्षरता के महत्व को करीब से जान सके। पहले लड़कियां कम आती थी, अब घर वालों का भी इंटरेस्ट हो गया। हर माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए लेके आती हैं कि हमारी बच्ची कैसे भी पढ़े, हम जैसा कलंक इनके नहीं रहे, ये तो पढ़ लिख कर अपनी कामयाबी हासिल करें। ममता की नजर में पढ़ने लिखने का मायने कुछ और है। निरक्षर को साक्षर बनाने का मतलब ये होता है कि उसको कुछ सिखाया जाए, बारी ज्ञान के ऊपर बताया जाए कि अपने गांव में समाज में क्या होता है, पढ़ने लिखने क्या फायदा होता है, उससे अपने को क्या ज्ञान मिलता है, उससे किस प्रकार से दूसरों का मान सम्मान कर सकते हैं, किस प्रकार से दूसरों से बातें कर सकते हैं। इन प्रयासों के परिणाम यहाँ रूपावास में महिला साक्षरता में वृद्धि स्पष्ट तौर पर महसूस की जा सकती है। राजस्थान के इस छोटे से गांव रूपावास में साक्षरता की अद्भुत सफलता का सबसे बड़ा संकेत है इस नव साक्षर के मन में जन्मी ये चेतना, ये विश्वास। अनपढ़ के लिए तो कालो अक्षर जब भैंस बराबर। जैसे जैसे साक्षरता का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही लोगों के मन में साक्षरता अभियान को लेकर कई सवाल, कई शंकाएं भी हैं। जैसे कि सुनने में तो बहुत आता है कि फलां जगह, फलां गांव में, फलां प्रांत में साक्षरता अभियान बहुत कामयाब रहा, उसे बहुत सफलता मिली। तो सवाल उठता है, सफलता किसे कहते हैं? ये पूछा हमने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक श्री भास्कर चटर्जी से। When literacy got off the ground with big movements in Kottayam and Ernakulam, they already had a literacy rate of about 85% to 86%. So when they achieved the figures of 90% to 95%, that became a kind of yardstick. But as we moved into the Hindi heartland, into the areas of North India, where socio-cultural factors were much more daunting, we realized that that kind of achievement was not going to be with us for a long time. The Arun Ghosh committee, which went into this in great detail, they have now specified that an achievement of about 55% to 60%
of the target group is a very fine achievement. That has become our yardstick for success. चलिए सफलता क्या है ये तो समझ में आ गया, पर इस सफलता का लोग मूल्यांकन कैसे करते हैं, इवैल्यूएट कैसे करते हैं? We have been trying over these last few years to try and refine the evaluation process. We began with the idea of two evaluations over a project term. Now, as you know, a total literacy campaign lasts anywhere between 12 and 18 months. We try and do the first evaluation, which we call a concurrent evaluation, in the period between the 8th and the 10th months. And after that, we do a final evaluation at the conclusion of the campaign. The first evaluation is supposed to make a kind of midterm review and indicate what the strengths and weaknesses of that campaign has been. And it's also proactive because it tries to tell you how to get rid of the weaknesses that may have crept in. Earlier, this midterm evaluation used to be done by the campaign managers themselves. That is, the Zilla Sakshata Samiti in the district organized a few and smaller agencies available within the district to evaluate the program. So what in reality happened was that they were evaluating themselves. So the results that we got from these midterm evaluations were not really credible. We have therefore initiated a policy shift whereby we have now asked the directorates in the state capitals to have empaneled agencies. A no collector can begin an interim evaluation on his own. He has to write to the directorate, and the directorate then nominates an agency from their empaneled list with one rider, that any organization nominated by the directorate must not have anything to do with the district which is being evaluated. It must be situated outside that district. साक्षरता को लेकर एक और सवाल. मिशन वाले अक्सर पूर्ण साक्षरता शब्द का इस्तेमाल करते हैं. ये पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या है? There are two ways one can look at this question. One is from the point of view of the individual. The other is from the point of view of the area. If one sees it from the point of view of the individual, then it is functional literacy. That is, an individual must have a reasonable command over the three R's and must also be able to go about his or her daily life with that kind of a reasonable command over the three R's. In measured terms, it would mean getting a result of 70% out of the tests administered to him. If one looks at total literacy from an area point of view, then, as I said to you, we believe that a crude literacy rate of about 75% means for us a total literacy for that area. अक्सर ये भी सुनने में आता है कि पूरे जिले को यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को पूर्ण साक्षर कर दिया गया है. इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि जिले का हर व्यक्ति साक्षर हो गया है, या फिर इसका कोई और अर्थ भी निकलता है? Over the last year or so, we have consciously taken a decision not to declare any district as totally literate, because the confusion in the lay mind is that total literacy means that every single human being in that district is literate, which is never achievable. And in any case, our target group is only 15 to 35 age group, which we believe is both the productive and the reproductive age group. Therefore, when we talk of total literacy, we talk of an achievement of about 75% of the people in the age group 15 to 35 alone. समूचे देश में साक्षरता का बिगुल बजाने वाली राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? Two or three things we thought were very important. One was that although we would hasten slowly, we would nevertheless cover all the districts of this country by the end of the ninth plan period, which would mean about 2002. We also said that
Earlier, the institutions of the State Resource Center and the Directorates of Adult Education, which had been relatively sidelined because we were interacting more straight with the district magistrates, we would bring these two more into the ambit of the program. The other really important concept was decentralization. That is, we would make the state literacy missions vibrant and also empowered both financially and physically. No more would district magistrates have to come to Delhi to present their programs and get approvals. They would be entitled to approvals from their state headquarters itself. We also thought of bringing in the Panchayati Raj institutions, particularly the elected representatives, into the mainstream of the program. And we are beginning several sensitization exercises, orientation exercises, where we would bring Panchayati Raj functionaries and elected representatives very much into the heart of the movement.